तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। आप देख सकते हैं हम लोग अभी निकल रहे हैं गंगा नहाने के लिए, और हमारे घर बॉर्डर से लगभग 1 किलोमीटर भीतर है। तो जिस गाड़ी में हम जाएंगे वो बॉर्डर के उस पार रुके हुए हैं, तो हम लोग पैदल यहाँ से चल रहे हैं। वैसे आप जानते हैं कि गंगा नहाना हर किसी के बस में नहीं होता, एक तरह का बुलावा होता है, और जिसके तहत हम लोग आज गंगा नहाने का जो संकल्प लिए है उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। तो कुछ देर में बॉर्डर पहुंच जाएंगे और मैजिक में बैठ करके हम लोग सफ़र करते हुए गंगा तक जाएंगे, जो हमारे लगभग नज़दीकी मनिहारी घाट। तो हमारे साथ बने रहिए, हम लोग निकल रहे हैं। और भी हमारे कुछ लोग हैं, कुछ साथी हैं, कुछ रिश्तेदार हैं जो बॉर्डर में हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम सभी लगभग 10 से 12 आदमी हम लोग गंगा नहाने को निकल रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली हमारे गाड़ी आ चुके हैं, जो ये लगभग बॉर्डर के पास ही है, और हम लोग गंगा नहाने के लिए आप देख ही सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैजिक में सभी बैठ चुके हैं और हम भी बैठ रहे हैं, और आपको ताज़ा खबरें देते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहे। वैसे आप जानते हैं गंगा नहाने का सभी का अवसर नहीं मिलता, और हम लोगों को आज ये अवसर मिला है। तो इसी का साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे फिर आगे का किसी जगह पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग बॉर्डर से निकल चुके हैं, अभी सुबह के 7:45 बज रहे हैं, और हम लोग इस वक्त ठीक बॉर्डर से निकले हैं। और कितना टाइम लगता है यहाँ से, हमारे नज़दीकी जो गंगा नहाने का घाट है वो मनिहारी पड़ते हैं, जो इंडिया के बिहार राज्य के जिले में ही आते हैं। तो इतने हम लोग यहाँ आप देख सकते हैं लगभग हम लोग 9 आदमी हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं वैसे हम लोग खास करके आपको बता दूँ कि जो हमारे हिंदी समाज में सनातन धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो 9वें दिन में उसे अस्थियों को गंगा में विसर्जन करना होता है, और इसी विसर्जन करने के लिए हम लोग अस्थियाँ लेकर के मनिहारी घाट को जा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं हम लोग लगभग 3 मिनट चल चुके हैं, और आगे भी जगह का हम लोग बताते चलेंगे आपको। तब दोस्तों आपको बता दूं कि मनिहारी घाट जो है बिहार राज्य के कटिहार जिले अंतर्गत आते हैं, और ये बहुत फेमस और प्रसिद्ध जगह है। तो दोस्तों हम अररिया आ पहुँचे हैं, अभी 8:50 हुए हैं इंडियन टाइम अनुसार, और हम अररिया के 0 माइल पहुँच चुके हैं। और यहां से आगे को निकलेंगे तो आप देख ही सकते हैं ये है अररिया का 0 माइल। ये हम शीशे का अंदर से कैमरा को लिए खड़े हैं, तो इसलिए दिख नहीं रहा है। यहां देख रहे हैं यहां से पूर्व किशनगंज 45 किलोमीटर, यहाँ साइन बोर्ड में दिखा रहे हैं। और
तो ये है अररिया का 0 माइल और इससे हम आगे दक्षिण की ओर निकल रहे हैं, जो कि देखिए आप कैसे चमचमाते हैं अररिया 0 माइल कचरा से परिपूर्ण। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग अभी अररिया 0 माइल से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर निकल चुके हैं और यहां आप देख सकते हैं हमारे जो सवारी है वो बंद पड़े हैं और सभी हल्का भारी होने के लिए यहां खड़े हुए थे। तो अब यहां से हम लोग फिर आगे की ओर निकलेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए हम अपना वाणी को विराम देते हैं। हम लोग लगभग 130 किलोमीटर के लंबे सफर पर निकले हैं और गंगा स्नान करने के लिए हम पहले बता चुके हैं कि हम लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं और हमारा साथ में पानी है और यहाँ पर उपस्थित है। तो आगे और फिर हम लोग मनिहारी घाट पहुँच करके फिर अगले प्रोग्राम का बयाना करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो देख सकते हैं हम लोग अभी 9 आदमी हैं लगभग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग जो मनिहारी को जा रहे थे तो यहाँ पूर्णिया से लगभग 14 किलोमीटर दक्षिण आप पहुँचे हैं और यहाँ पर पेट्रोल कसा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं ये है भरत पेट्रोलियम रौताड़ा, ये रौताड़ा कटिहार को आते हैं। तो इस तरह तो दोस्तों आज 16 जून 2022 यही बार 2079 साल साढ़ 2 गत्ते दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ गंगा घाट पर पहुँच चुके हैं। आप लोग पहले बता चुके हैं कि हम लोग यहाँ पर यहाँ विसर्जन करने के लिए आए हैं और पंडित का राय सलाह अनुसार विधिवत रूप से यहाँ विसर्जन करने के लिए आगे का प्रोग्राम पर शामिल होने जा रहे हैं। तो अस्थियाँ विसर्जन का जो वीडियो है वो तो हम आप लोग देख सकते हैं, हम लोग में दिखाएंगे। गंगा स्नान करने के लिए घाट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं हमारे साथ लगभग 9 आदमी का एक ग्रुप है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग ठीक 12 बजे है अभी और अभी ठीक हम लोग यहाँ गंगा घाट में, ये है मनिहारी घाट, आप देख सकते हैं यहाँ हम पहुँच चुके हैं इस मनिहारी घाट में। तो अब आगे का प्रोग्राम शुरू करेंगे। आप यहां देख सकते हैं आपका ये लॉकडाउन हुआ था ना, मास है। हाँ ये अत्या बाबू 500 रुपया लगेगा घाट का चार्ज। वो जो रिलेशन में सब कपड़ा खोलिए नहाइए, नहाएंगे फिर अस्थि विसर्जन होगा तब केस किसका कराने वाला है कराइए, नहीं घर में कराना है। केस नहीं कटेगा कल तब तो ठीक है, तब नहाइए। जो रिलेशन में जो लगी थी है जिसका अपना दादी है नानी है कौन लगता है सबको पकड़ना पड़ेगा, हाथी को पकड़ना पड़ेगा कलर को। कलश ले लीजिए, कलश को नाती पकड़ेगा, दामाद पकड़ेगा, एक ही आदमी पकड़ेगा कि सब पकड़ेगा? सब पकड़ेगा, पैसा एक ही आदमी देना है। आप खोजे इतना हम कर दिया, वो जो आप मरवाई में है दादर बलिया। हाँ हाँ बोलिए।
देख रहे हैं वो सब हमको आपका नोंद्रा घाट वाला हुआ आपका कटरी उटरी चैतु राजवंशी है संचय राजवंशी सब पंडित जी आपके नेपाले के जाते काम करा करतिया हटिया पर जो ठाकुर जी है और बेटा से कुछ पड़ा है ये सब आया है Hey.